तो 30,000 किलोमीटर की यात्रा 100 दिनों में, ये अपने आप में सर चकराने वाली बात है। ऐसा कई बार हुआ उस यात्रा के दौरान जहां किसी भी व्यक्ति के लिए बाइक चलाना काफी मुश्किल होता है, वहां 65 साल के इंसान के लिए तो ये भूल ही जाइए। एक घटना है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। सदगुरु को अबू धाबी से दुबई बाइक चलाकर जाना था। दुबई और अबू धाबी में अधिकतर लोग दोपहर को बाहर नहीं निकलते, और अगर निकलते भी हैं तो अपने एयर कंडीशनर कार में। बाहर धूप में बाइक चलाना तो भूल जाइए। वहाँ एक और कार्यक्रम था जिसके लिए 3 घंटे और घूम कर जाना था, और रेगिस्तान में कुल 6 घंटे ड्राइव करना था। जब हम लोग निकले तब तापमान 40 के ऊपर था, और जब हम रोड पर आए तो हमने देखा कि वहां कोई भी दूसरी मोटरसाइकिल नहीं थी, बस सदगुरु अकेले बाइक चला रहे थे। जब वे जैकेट पहनकर चला रहे थे 70-80 किलोमीटर के बाद ये बहुत गर्म हो गई। ऐसा सिर्फ मौसम के कारण नहीं हुआ, ऐसा गर्म हवा के कारण हुआ जो कि इंजन से बाहर आ रही थी। एक समय पर मुझे लगता है ये तापमान आसानी से 45 के ऊपर था, और ये गर्म हवा जो लगातार उनको झकझोर रही थी, रोड से गर्मी निकल रही थी। तो हमने उनसे पूछा, सदगुरु क्या हम आगे जाने से पहले कुछ देर रुक जाएं? और वे बोले, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें उन्हें इंतजार में न रखकर चलते रहना चाहिए। कुछ मिनट बाद हमने फिर पूछा, क्या हम कम से कम 5 मिनट के लिए रुक जाएं ताकि वे पानी पी सकें? सदगुरु बड़े बेमन से रुके, और फिर जब हमने देखा कि हम लोग रेगिस्तान में हैं और उधर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सदगुरु को थोड़ी छांव मिल सके, हमें खोजने पर बस एक झुका हुआ पेड़ मिला जो कि वहां था। वे मोटरसाइकिल को उस पेड़ के नीचे पार्क करके वहां कुछ मिनट के लिए खड़े रहे। सीट बहुत गर्म हो रही है, बैठ नहीं पा रहा हूं। और बस कुछ ही मिनटों में सदगुरु मोटरसाइकिल पर वापस बैठ गए और चलते रहे। उन्होंने अपनी जैकेट उतारनी चाही, पर जैसे ही उन्होंने जैकेट उतारी उन्हें हवा के काफी ज्यादा धक्के लगना शुरू हो गए उनकी छाती पर, तो वो भी कुछ देर बाद काफी तकलीफ देने लगा और पूरी तरह थका देने वाला था। रास्ते में एक अभिनेत्री जो हमसे इंडोनेशिया से जुड़ी, सदगुरु के साथ बाइक पर राइड करने के लिए विकार से उतरी, अपना हेलमेट लगाया और सदगुरु के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। हम कार में हैं ठीक उनके बगल में, और वो इशारा करने लगे, प्लीज रोकिए, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये और नहीं कर सकती। वे हमें इशारा कर रही थी, बस इसे यही रोक दीजिए, मैं इसे और ज्यादा नहीं कर सकती। तब हम रोड के किनारे आ गए। सिर्फ ये जानकर कि ये सफर अब तक कितना कठिन रहा है, मेरे लिए सिर्फ ये 20 मिनट काटने मुश्किल थे, मैं अब और ज्यादा आपका आदर करने लगी हूँ। और उन्होंने बाइक से अपना दुबई तक का सफर जारी रखा। वे बाइक चला रहे थे और बाहर बहुत गर्मी थी, और हम सदगुरु को हाथ पैर सीधे करते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है, इसलिए वो इसे ऐसा रखना चाहते थे कि वो क्रैम्प ना हो। और एक समय पर फोन का GPS भी गर्मी के कारण बंद हो गया। लगभग 6 घंटे बाइक चलाने के बाद आखिरकार सदगुरु दुबई पहुंचे, पर फिर ट्रैफिक लग गया। ट्रैफिक के कारण बाइक से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलने लगी जो सीधे उनकी छाती और जांघ पर लग रही थी, इसलिए जब लाल सिग्नल हुआ तो वो बाइक पर बैठ भी नहीं पा रहे थे। वे बाइक से उतरे और थोड़ी देर हटकर खड़े हो गए। वो भरे ट्रैफिक के बीच रोड पर खड़े थे ताकि बाइक से निकलने वाली गर्म हवा से बच सकें। फिर जब हरा सिग्नल हुआ वो बाइक पर बैठ गए।
और फिर वे होटल गए जहां हमने बेसमेंट में गाड़ी खड़ी की। हमने उन्हें फिर से पानी दिया, लेकिन इस बार उनके शरीर में पानी की कई ज्यादा कमी थी। वे अपने ऊपर पानी डाल रहे थे ताकि खुद को ठंडा कर सकें, जिससे उनकी आधी टी शर्ट गीली हो गई। फिर वे कमरे में गए और वहां बिस्तर पर जाकर गिर पड़े, और हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये देख रहा था कि क्या हम उनके जूते उतार सकते हैं, और मैंने गलती से उनके पाँव का कड़ा छू लिया, और इसने पूरी तरह से मेरी उंगली जला दी। अगर वो धातु का इतना सा टुकड़ा इतना गर्म था, तो वे खुद किन तकलीफों से गुजर कर यहाँ पहुंचे होंगे, और उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। 15 मिनट में हमें अगले कार्यक्रम के लिए निकलना था, और मैं उन्हें ये नहीं बोल पा रहा था कि सदगुरु हमें अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है। कुछ ही मिनटों में सदगुरु रूम से बाहर आए। उन्होंने अपना हेलमेट लगाया, मोटरसाइकिल पर बैठे, और हम लोग अगले कार्यक्रम के लिए निकले। और उस कार्यक्रम में किसी को ये एहसास तक नहीं था कि उन पर क्या गुजरी है, वे कैसे यहां तक पहुंचे। उनकी टी शर्ट अब भी थोड़ी सी गीली थी, उन्हें अपनी टी शर्ट बदलने का भी मौका नहीं मिला। ये इवेंट्स जो एक के बाद एक थे, वे लगातार 3 घंटे तक चलते रहे, और उसके बाद हमने कुछ इंटरव्यूज भी रखे थे, तो जब तक ये सब खत्म हो पाता अभी वापस रूम में जा पाते ताकि वे मिनट भर सांस ले सके या कुछ खा सके, तब तक आधी रात हो चुकी।